नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं, सॉरी फ्रेंड आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है आप लोगों के लिए जो थ्योरी क्लास मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्लास आप लोगों के लिए लाए हैं वो पावर जनरेशन से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप लोग जो है इसकी थ्योरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो ऐप में आप सारी क्लासेस थ्योरी देख सकते हैं। ऐप में आप लोगों को यहाँ पे सारी क्लासेस मिलेंगी और आप लोगों के लिए यहाँ पे जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, UPPCL, TG2, UP Iron, सभी गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, लोको पायलट, सभी जहाँ पे यूपी मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग टॉपिक वाइज चलाते हैं, जैसे कि आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग के जो भी बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्लास चलती है। UPPCL जो है उनके लिए अलग से चलती है। ये नहीं होता कि सबको मिक्स करके चलाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, सबको टॉपिक वाइज चलाया जाता है। क्वेश्चन कुछ आपको यहाँ पे जो है MCQ जो है आप मिक्स देख सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग जो थ्योरी क्लास लाते हैं वो सभी जो है अलग अलग रहती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पावर जनरेशन के बारे में समझेंगे कि पावर जनरेशन है क्या, इसके बारे में हमको देखना है, एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझना है। आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि पावर जनरेशन एक ऐसा हमारा चैप्टर है जो बिजली का उत्पादन मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सभी कहाँ पे कैसे किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, आगे सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। आगे जो है कोयले की बात की जाए तो कौन सा कोयला शुद्ध होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सभी कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है, उसके बाद अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है यहाँ पे जो है आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि आपका जो है अगर देखें कि तापीय, तापीय शक्ति संयंत्र, ये क्या होता है फ्रेंड? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का काम क्या होता है फ्रेंड, ये आपको ऐसे मालूम होना चाहिए। इसका जो काम होता है फ्रेंड वो तापीय शक्ति संयंत्र में, अगर हम देखें संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को या का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारा थर्मल, अगर हम देखें तापीय शक्ति संयंत्र या थर्मल आप कह सकते हैं पावर प्लांट, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। ये कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो काम होता है वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब आगे हम लोग सभी चीजों को समझेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके सामने पूछा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारा तापीय शक्ति संयंत्र होता है पावर जनरेशन में उसका काम क्या होता है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है, क्या मतलब निकलता है, ये सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और आगे इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा कि कोयले का क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, कितने टाइप से कोयले होते हैं, और भी चीजें फ्यूल्स जो हमारे ईंधन होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि कोयले से विद्युत ऊर्जा, अगर हम देखें फर्स्ट नंबर पे कि कोयले से विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन विधि की दक्षता अधिकतम तक सीमित की गई है। तो यहाँ पे हमारा कोयले की बात की गई है, तो कोयला के अगर हम देखें कि जो शुद्धतम कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला, सबसे शुद्ध कोयला, ठीक है, कोयला कौन सा होता है? एथ्रेसाइट। एथ्रेसाइट यह क्या होता है? शुद्ध कोयला होता है, ठीक है, एथ्रेसाइट होता है। अगर कितने परसेंट तक होता है? 99.8% तक होता है, ठीक है। यह हमारा कौन सा होता है? शुद्ध कोयला। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि विधि की दक्षता अधिकतम तक सीमित की गई है, मतलब विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए। तो ए में देखिए 30%, बी में 40%, सी में 50%, डी में 60%। तो यहां पे हमारा अगर देखें कि विद्युत ऊर्जा में जो रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन के लिए दक्षता जो दी जाती है वो कितने परसेंट दी जाती है? 30%, ठीक है। तो 30% हमारा कहां पे मिल जाता है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहां पे जो है हम लोग वन मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इसको सही कर लेते हैं। जी अब सही हो गया। तो यहां पे जो है सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन, अब यहां पे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो यहां पे पूछा गया है, ठीक है। तो ए में देखिए थर्मल होगा, बी में पर्यावरण, सी में शोरगुल, डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम देखें यहां पे कि जो हमारा प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन में प्रयुक्त की जाती है, तो देखिए पर्यावरण जो होता है ये किससे जुड़ा होता है? वातावरण से, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? वातावरण से, मतलब हवा आप कह सकते हैं, ये सभी चीजों से जुड़ा होता है। शोरगुल क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? कंपन से भी जुड़ा होता है। इससे क्या होता है? मनुष्य या आप कह सकते हैं इंसान क्या होता है? फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कर सकता है। उस ये कंपन शोरगुल की वजह से जो है दुर्घटना का जो है कारण भी बन सकता है। ये चीजें हमारा यहाँ पे इंडिकेट करता है। लेकिन हमारा जो थर्मल होता है, थर्मल का मतलब क्या होता है? ये पावर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रदूषण घटित होता है, तो ये हमारा सही होगा। ऐसे आप मान लीजिए कि जहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कोयला अगर आप लोग देख लीजिए जहां पे क्या होता है बिजली बनता है, मतलब जो है पावर आप कह सकते हैं पावर प्लांट जो होता है उत्पादन का जो है, वहां पर जो पावर हमारा बनता है, बिजली बनता है जो कह सकते हैं, वहां पे क्या होता है बहुत ज्यादा गंदगियां होती हैं, मतलब आप कोयले की मात्रा कह सकते हैं बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है धूल मिट्टियां बहुत सी चीजें क्या होती हैं उड़ना स्टार्ट होती हैं। वही चीजें यहाँ पे बोला गया है कि किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो इनका कहने का मतलब एकदम सही है कि ये प्रदूषण की बात की जा रही है, तो हमारा थर्मल का जब काम होता है पावर प्लांट में, जब ऐसे कार्य होते हैं तो वहां पे क्या होता है ये सारे चीजें आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रदूषण आदि, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहां पे जो है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर, और यहां पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस फायर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है। तो देखिए यहां पे ऊर्जा का प्रथम स्रोत पूछा गया है। एलपीजी जो होता है ये कहां पे प्रयोग किया जाता है? ये हमारे जो है भोजन आदि में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं एलपीजी का, ठीक है। पानी
गर्म पानी स्प्रिंग, ये गर्म पानी का हम लोग प्रयोग जो है कहाँ पे कर सकते हैं, इसका प्रयोग ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे जो है क्या होता है जंग आदि चीज़ें होती हैं वहाँ पे हटाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर गर्म पानी का प्रयोग ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो है आप कह सकते हैं कि ठंड आदि चीज़ें हो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक सामान्य मात्रा में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक गैस होता है, प्राकृतिक जो गैस होता है वो यहाँ पे पूछा गया है इसके बारे में कि गैस फायर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है, गैस फायर में, तो जी हाँ ऊर्जा का जो प्रथम स्रोत हमारा पाया जाता है वो प्राकृतिक गैस में पाया जाता है, नेचुरल होता है जो है ये हमारा प्राकृतिक होता है, ये हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब आप कह सकते हैं प्राकृतिक हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड, देखिए आप लोग को जब मैं बताता हूँ तो कन्फ्यूजन की चीज़ें होती, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दिया करिए कि जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है क्या होता है कि मैं आपको टिक सही कर देता हूँ लेकिन हो सकता है लैंग्वेज गलत निकल जाती है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं सर ने जो है बता दिया है लेकिन टिक और कुछ लगा दिया, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि टिक लगाने का मतलब कौन सा होता है कि हाँ ये सही हमारा है, तो उसी के बेस पर आप लोग सही माना करिए। उसके बाद देखिए जो है निम्नलिखित में से किस लिए पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन स्थित होते हैं, हाइड्रो की बात की गई है, ठीक है, तो एम देखिए यहाँ पे जो है पूछा क्या गया, बड़ी भूमि क्षेत्र आवश्यक होते हैं या सुरक्षा होती है या भूकंप मुक्त क्षेत्र होते हैं या फिर आवश्यक पानी की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता होती है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देना है कि हमारा जो हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन होता है इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे क्यों नहीं करते हैं जहाँ पे जो है बस्ती हो, घनी आबादी हो, मतलब आप कह सकते हैं कस्बे में हो जाए, ये सभी जगह पे क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि भूमि में भूमि क्षेत्र आवश्यक हो इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है, सुरक्षा सेफ्टी देखिए वो सेफ्टी तो इसमें होना अनिवार्य है, जब भी ऐसे कार्य होंगे हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं सुरक्षा तो करना मतलब आप कह सकते हैं आवश्यक होता है। भूकंप मुक्त क्षेत्र देखिए भूकंप मुक्त क्षेत्र कोई भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, ये हमारा जोन हो गया और ये जोन पे मतलब ये बगल बगल में जो है भूकंप आएगा लेकिन हमारे इस जोन में नहीं आएगा, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि भूकंप मुक्त क्षेत्र होता है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पे देखिए हमारा बच्चा क्या यहां पे डी ऑप्शन पे क्या बोला है कि आवश्यक पानी की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन ये सही जा रहा है, ठीक है। देखिए आपको मालूम होगा कि हमारा जो पानी होता है पानी के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं यहां पे मतलब कह सकते हैं कि विद्युत का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन हम लोग क्या करते हैं किसके द्वारा करते हैं पानी की मात्रा के द्वारा भी करते हैं, तो यही चीज यहां पे पूछा गया है, तो इसका मेन कारण जो होगा वो आवश्यक पानी की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता जरूरी होती है, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन का बनाना पहाड़ी क्षेत्रों, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए फाइव नंबर पे देखिए क्या बोला गया है कि हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत किया गया है, मतलब यहाँ पे हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया गया है, किससे इनको वर्गीकृत किया गया है, ए में देखिए बड़ा भूमि क्षेत्र उपलब्ध बड़ा भूमि क्षेत्र आवश्यक होना इस वजह से, बी में क्या दिया उच्च कैपिटल और शून्य ईंधन लागत, बी में सी में जो है निम्न कैपिटल और निम्न ईंधन लागत, डी में जो है निम्न कैपिटल और उच्च ईंधन लागत। तो देखिए हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया जाता है, बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि उच्च कैपिटल और शून्य ईंधन लागत। तो देखिए आप भी जानते हैं कि हमारा जो शून्य ईंधन मतलब क्या होता है कि हमारा ईंधन मतलब क्या होता है फ्यूल होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा जो लागत होगा ईंधन का जो है वो शून्य होगा तभी हमारा जो है क्या होगा आगे हमारा इसका कार्य बढ़ेगा, ठीक है, इस वजह से हमारा हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को हम लोग वर्गीकृत करते हैं किससे,
बी ऑप्शन से, उच्च कैपिटल में शून्य ईंधन लागत हमारा यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे निम्न कैपिटल और क्या होगा, उच्च ईंधन लागत होगा, तो हमारा जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाला ईंधन कौन सा होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछा गया है सिक्स नंबर पे। ठीक है, न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट में, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना किसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है किसके लिए करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, उत्पादन के लिए करते हैं, किसका प्रयोग, न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट का। ठीक है, तो ये चीजें पूछा ईंधन के बारे में, फ्यूल के बारे में पूछा गया है कि ये फ्यूल का इसमें क्या मतलब, कौन सा फ्यूल लगता है, ईंधन लगता है। तो एम देखिए यूरेनियम का समस्थानिक होगा, बी में क्रूड ऑयल होगा, सी में तरली हाइड्रोजन होगा, डी में क्या होगा, मीथेन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो है न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होगा, यूरेनियम होगा। ठीक है, क्रूड ऑयल हमारा जो होता है इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए सेवेंथ नंबर पे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पल्वराइज्ड, मतलब यहाँ पे पल्वराइज्ड कोयला होता है, तो यहाँ पे कोयले की बात की गई है, जो हमारा पल्वराइज्ड कोयला होता है वो कौन सा होता है। ए में देखिए क्या दिया गया है, राख से कोयला मुक्त होता है। बी में क्या दिया होता है, बिना धोए वाला कोयला। देखिए कोयले से कोई मतलब नहीं, वो चाहे धोए या ना धोए उससे कोई मतलब नहीं है गंदगी से। ठीक है, राख में कोयला मुक्त होता है, तो ये अलग चीजें हैं। कोयला जो देर तक जलता है ये भी एक अलग क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे कोयला जो बारीक कणों में टूट जाता हो वो उसे हम क्या कहते हैं, पल्वराइज्ड कोयला बोलते हैं। पल्वराइज्ड का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान देना है, पल्वराइज्ड तो इसका मतलब ये होता है कि कणों में क्या होता है, छोटे छोटे कणों में क्या होता है, टूट जाना है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड कोयला। तो यहां पे कहां दिया गया है, डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही होगा, डी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड, जिससे कि कुछ बच्चे जो है उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो भी जुड़ सकें। और आप लोग को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐप में जाएं, फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब आ गया एट नंबर क्वेश्चन, और एट नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है कि पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले कोयले को जाना जाता है, पावर प्लांट में ये चीजें पूछा गया है। तो ए में देखिए मृद कोयला, मृद मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, मरा हुआ कोयला। ठीक है, मरा हुआ कोयला, वैसे तो कोयला तो सभी जो है मरे होते हैं, ये भी हो गया। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा इसे ये भी कह सकते हैं मुलायम, मुलायम कोयला। ठीक है, मुलायम कोयला भी कह सकते हैं, मृद मतलब ये भी होता है और मरा हुआ भी होता है। उसके बाद बच्चा कोक, कोक क्या होता है, ये हमारा चूना पत्थर की तरह होता है, चूना पत्थर। चारकोल ये भी जो है आप कह सकते हैं, चारकोल भी हमारा जो है पत्थर का ही रूप होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा दिया क्या गया है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे क्या दिया है, भाप कोयला। तो यहां पे पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाला जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, भाप कोयला होता है। तो यहां पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, पावर प्लांट में हम लोग भाप के कोयले का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारा यहां पे दिया गया है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, और नाइन्थ नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का या ऊर्जा के प्रथम स्रोत के रूप में हवा का लाभ नहीं है, प्रथम स्रोत के रूप में हवा का लाभ कौन सा नहीं है। तो ए में देखिए आ प्रत्याशित, बी में आ स्थिर, सी में गैर अच्छे, डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए एक ऊर्जा के प्रथम स्रोत के रूप में हवा का जो लाभ नहीं है वो गैर अच्छे है, मतलब यहाँ पे हमारा सही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और टेंथ नंबर क्वेश्चन, टेंथ नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि बेगासी क्या होता है, बेगासी जो होता है क्या होता है, ये चीजें पूछा गया है। तो एम देखिए निम्न गुणवत्ता युक्त कोयला, बी में क्या दिया है लकड़ी का ईंधन, लकड़ी का फ्यूल मतलब, सी में जूस निकालने के बाद गन्ना का रेशेदार भाग, डी में क्या दिया है एक प्रकार का चावल का भूसा। तो देखिए चावल का भूसा तो हम लोग इसे जो है एक अलग चीजें होती हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑयल के लिए, ऑयल में हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कर सकते हैं गाय भैंस ये क्या करते हैं खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये खाते भी हैं इसको जो है, मतलब जो होता है इसका एक टाइप से आप कना भी कह सकते हैं जो देहाती लैंग्वेज में बोला जाता है इसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लकड़ी का जो ईंधन होता है वो फ्यूल तो यहाँ से कोई मिलता जुलता नहीं है। निम्न गुणवत्ता युक्त कोयला, देखिए निम्न नहीं चाहिए हमको, उच्च गुणवत्ता युक्त कोयला चाहिए, जैसे एथ्रेसाइड आदि होते हैं अच्छे कोयले चाहिए, ठीक है। तो बेगासी जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो गन्ने से जुड़ा होता है, गन्ने के रेशेदार भाग का, मतलब जूस जब हम लोग निकाल लेते हैं तो उसका जो भाग होता है गन्ना जो होता है जो खराब हो जाता है उसी को यहाँ पे पूछा गया है, जूस निकालने के बाद गन्ना का रेशेदार भाग। तो ये जो जूस हम लोग फैक्ट्रियों से क्या करते हैं, जैसे हम लोग ऑयल जो भी सॉरी इसका जो है मतलब आप कह सकते हैं कि रस निकालने के बाद हम लोग जूस निकालने के बाद कहीं मतलब जो है आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो इसका जो वो होता है क्या बोलते हैं रेशेदार जो भी होते हैं पार्ट इसके आप कह सकते हैं उसको कन्वेयर बेल्ट से क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, बाकी जो है इसका जूस निकालने के बाद छोटी छोटी मशीनों से भी जूस निकाला जाता है, इसके जो भी रेशेदार भाग होते हैं उसको क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, फिर बाद में इसको जो है क्या करते हैं हम लोग वहां पे प्रयोग करते हैं जहां पे बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं वहां पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। काहे मतलब किस लिए करते हैं ये भी जरूरी होता है। तो ये क्या करता है आग को उत्पन्न करता है, मतलब आग के लिए इसको हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो ये जरूरी होना चाहिए आप लोगों को, मतलब जानकारी होना चाहिए। वन मिनट फ्रेंड, तो एक एक चीजों को यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को सारी चीजों को जानकारी हो सके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट कराए, 10 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे इसके आगे से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में कि क्या कैसे कहाँ पे काम होते हैं। ये तो आज जो है आप कह सकते हैं कि छोटा सा क्लास आप लोगों के लिए डेमो के रूप में था, आगे हम लोग अच्छे से सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोगों के लिए हमारे ऐप में फुल क्लासेस हैं, इसको जरूर आप लोग जो है कोर्स के रूप में ज्वाइन करिए, और जहाँ पे आपको थ्योरी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। बाकी आप लोग जो है चैनल को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।